आज हम खड़े हैं हरदोई रोड कालीचरण डिग्री कॉलेज पे, जहां पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया था। उन्हें याद करने का उनके नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित करना था। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे नगर विकास श्री आशुतोष टंडन, जिन्होंने अपने हाथों से नगर निगम कर्मचारियों को वस्त्र पहनाए और उनको भोजन भी परोसा। किया गया है और यहाँ पर पूरी तरह से लोगों के लिए भोजन का इंतजाम भी किया गया और इस कार्यक्रम में मंत्री भी उपस्थित रहे, इसके मेयर साहिबा भी मौजूद रहीं, जिन्होंने हमसे बात की और बताया किस तरह से नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। अटल जी का लखनऊ का बहुत अटूट नाता था, कम से कम 5 दशकों से ज़्यादा का उनका लखनऊ का संपर्क था। 50-60 के दशक में वो 2 बार चुनाव लड़े लखनऊ से और उसके बाद 1991 से लगातार 5 बार वो यहाँ से सांसद रहे और उन्होंने बड़ा जीवन संबंध लखनऊ से रखा। लखनऊ के जनमानस से, समाज के हर वर्ग के लोगों से और विशेष रूप से हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता अपने आप को अटल जी से बहुत निकट पाते थे और अटल जी का ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व था कि जो एक बार उनसे मिल लिया वो उनका हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, तीसरी पुण्यतिथि है, पिछली पुण्यतिथि वो कोरोना काल में निकल गई, तो इस बार आज यहाँ पर एक समरसता समागम जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ आप देख रहे हैं उपस्थित हैं और सबसे पहले हमने अपने स्वच्छता सैनिकों को यहाँ पर बैठा के उनका सम्मान करा करके और उनका भोजन करा के कार्यक्रम को शुरू किया है और ये देर शाम तक चलेगा। तमाम इसमें हजारों लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लखनऊ के जो सभी क्षेत्रों के लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम सब आज नतमस्तक हैं, अटल जी को बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सेकंड, तो अटल जी एक कविकार भी थे, तो उनकी कोई एक ऐसी कविता सुना। देखिए, अच्छा सवाल आपने किया। अटल जी की पहली कविता, उसका पाठ उन्होंने इसी विद्यालय में किया था। ये आज़ादी के पहले की बात है, संघ का एक शिविर यहाँ लगा था, अटल जी एक स्वयंसेवक के तौर पर यहाँ उस शिविर में थे और उन्होंने अपनी पहली कविता का पाठ इसी कालीचरण विद्यालय में किया था। आज जहाँ पर हम उनकी तिथि पुण्यतिथि पर इकट्ठे, सबसे पहले तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर हम सब उनको नमन करते हैं और ये उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। बराबर हम हमारे बीच में वो रहते थे, हम सबके श्रद्धा के केंद्र थे और उन्होंने लखनऊ शहर के लिए, लखनऊ से चुनाव लड़ते थे और लखनऊ शहर के लिए बहुत कुछ किया और वे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समानता के भाव से वो कार्य करते थे। इसी उनके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए आज यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि पर समरसता भोज का आयोजन किया गया है जो श्रद्धेय संस्था के नाम से किया गया है और इस अवसर पर हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मैं वखार हुसैन, पावर ऑफ जन अधिकार से।